दोस्तों आज का ये वीडियो है यूके जाने वालों के लिए। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे सर्टिफिकेट के बारे में जिस सर्टिफिकेट के बिना आप यूके नहीं जा सकते। जी हाँ दोस्तों, भले ही आपके पास एम्प्लॉयर का दिया हुआ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप ही क्यों ना हो, आप वहां जाकर के काम नहीं कर सकते। इस सर्टिफिकेट के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आप यूके में जाकर के काम करना चाहते हैं। और इसीलिए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों ये वीडियो, जिसमें आपको सारी की सारी डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे आप इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी की सारी नॉलेज आपको आज इन्फॉर्मेशन में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है इस वक्त इंडिया से बाहर की कंट्रीज में जाना चाहते हैं, जो पहले बाहर की कंट्रीज में थे लेकिन कोरोना के चक्कर में उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा और अब फिर से वो इंडिया से बाहर निकलने की मशक्कत में लगे हुए हैं। कोई यूके जाना चाहता है, कोई कनाडा जाना चाहता है, कोई माल्टा जाना चाहता है, कोई यूरोप की अदर कंट्रीज में जाना चाहता है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कहीं वीजा की ग्रिड लॉकिंग हो रही है, वीजा में बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो कहीं पर भैया आपको वीजा ही नहीं मिल रहे, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहे, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करें। चिंता नहीं है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते रहिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिलेंगी, वीजा से रिलेटेड डिटेल्स मिलेंगी, आपको वर्क परमिट से रिलेटेड डिटेल्स मिलेंगी, आपको अपडेट्स मिलेंगे VFS ग्लोबल के साथ ही आपको अलग अलग कंट्रीज में अवेलेबल जॉब्स के बारे में भी बताऊंगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वेट मत कीजिए, क्योंकि जितने लोग मेरा चैनल देखते हैं उसमें 80% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जो सुन करके और जो देख करके मेरे दिल को बड़ा धक्का लगता है। जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं पर एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक जो है सारी की सारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए। अब बात कर लेते हैं इस सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों जिस सर्टिफिकेट की बात मैं कर रहा हूं, इस सर्टिफिकेट का आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सर्टिफिकेट के बिना कोई भी एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा आपको अपनी कंपनी में हायर करना। जी हां दोस्तों, इस सर्टिफिकेट का नाम है PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, इसीलिए मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। एक एम्प्लॉयर जब किसी बंदे को बाहर कंट्री से अपनी कंट्री में बुलाता है दोस्तों, अपनी कंट्री में हायर करता है, तो वो चाहता है कि भैया उसके बाकी के जो एम्प्लॉयज हैं उस पर किसी भी टाइप का कोई थ्रेट ना आए। तो इसी चीज के कंसर्न में जो है एम्प्लॉयर आपसे मांग करता है एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की। दोस्तों अगर आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है तो दोस्तों आप आराम से 3,500 से 4,000 pounds तक की जॉब पा सकते हैं यूके में। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको 4,000 pounds कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 18-18 घंटे काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप नॉर्मल एंट्री लेवल जॉब करके भी 3,500 से 4,000 pounds कमा सकते हैं यूके में, सच एज क्लीनर, सिक्योरिटी, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, ऐसी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है दोस्तों, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइजर, वेयर हाउस सुपरवाइजर, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन उन सभी के लिए आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए ही होगा। ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना, आपको बस अपनी कंट्री में अप्लाई कर देना है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के, जिस भी शहर में आप हैं वहां जाकर के आपको अप्लाई कर देना है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के मात्र 3 से 4 हफ्तों में आपको आपका PCC मिल जाता है दोस्तों, जिसके बाद आप फ्री हो जाते हैं कि भैया आपका माथे से टेंशन खत्म, अब आप जॉब के लिए अप्लाई करो, कुछ भी करो, मतलब 6 महीने के लिए वैलिड होता है दोस्तों, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। और दोस्तों आपको ये सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आपके ऊपर कोई क्राइम ना हो या फिर किसी भी लॉ या रेगुलेशन को तोड़ने का मतलब आपके ऊपर आरोप ना हो, तभी आपको जाकर के ये PCC मिलेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप एक सोशल मीडिया यूजर हो तो आप अपने सोशल मीडिया पर क्या क्या चीज़ें पोस्ट करते हो, आप किस टाइप की बातें करते हो अपने सोशल मीडिया पर, आपको सोशल मीडिया अब्यूज से बचना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आजकल ये सर्टिफिकेट देते समय आपके सोशल मीडिया की भी बहुत अच्छी तरीके से जाँच की जाती है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि सोशल मीडिया अब्यूज से बचिए, अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर अभी तक नहीं किया है तो आप कोशिश करना कि आगे भी कोई क्राइम ना करो, क्योंकि भैया आपकी एक छोटी सी गलती भी आपके यूके जाने के सपने को तोड़ सकती है। इसीलिए ध्यान रखिए और जल्दी से जल्दी इस PCC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना दोस्तों। इस टॉपिक से हटकर मैं कुछ और चीजों पर बात करना चाहूंगा दोस्तों, कि मैं जो भी अपने चैनल में बताता हूं या तो वो सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की हुई है, या तो उन चीजों के बारे में आई नो फॉर अ फैक्ट, या फिर मैं उनको रिसर्च करके आपके पास लेकर के आता हूं। ना ही मैं कोई वीजा कंसल्टेंट हूं, ना ही मैं कोई इमिग्रेशन एजेंट हूं, ये सारी की सारी मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल रिसर्च वगैरह पे है। और हो सकता है दोस्तों कि मैं कुछ केसेस में गलत भी हो जाऊं, लेकिन आप उसको सभ्य ढंग से भी मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बोल सकते हैं कि भाई तुम यहां पर गलत हो, हो सकता है ये चीज ऐसे होती है। लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में आकर के गालियां देना चालू कर दोगे और बोलोगे कि ये पागल है, ये नल्ला है, और भी बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं लोग, लेकिन मैं वो सारी चीजें नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी लार्जर ऑडियंस मेरा ये वीडियो देख रही है। इसीलिए दोस्तों मैं बस इतना ही बोलूंगा कि सभ्य ढंग से बोलिए, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइए, मैं मानता हूं कि मैं गलत हो सकता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली
ऑनेस्टली मैं अपनी रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है जो मेरी रिसर्च है वो आपने एक्सपीरियंस किया हो तो आपको ज़्यादा पता हो, वो उसको आप सब भी ढंग से बताइए। गाली गलौज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे अच्छे तरीके से बताओ और मैं उसे अच्छे तरीके से आगे लोगों तक पहुंचाऊंगा। बस इतना ही कहना था दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों यूके के जॉब्स में अगर अप्लाई करने के लिए आपको सीवी और कवर लेटर की जरूरत है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं दोस्तों तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, बहुत आसान है। व्हाट्सएप पर जाइए, मैसेज कीजिए, बोलिए हमें सीवी और कवर लेटर चाहिए, हम आपके लिए सीवी और कवर लेटर बना करके देंगे। साथ ही आप हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेल कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, हम आपकी सर्विस के लिए हर जगह अवेलेबल हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं, एजेंसीज कंसल्टेंसीज के बारे में जानना चाहते हैं तो भैया हमारे दूसरे चैनल पब्लिक इंजन 2.0 पे चले जाइए और वहाँ पर वीडियोस चेकआउट कीजिए दोस्तों। वहाँ की वीडियोस आई होप कि आपको पसंद आए, वीडियोस पसंद आए तो उन वीडियोस को लाइक करें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।